ग्वालियर शहर की मुरार पुलिस ने अपने ही विभाग के एक सब इंस्पेक्टर की फरियाद पर बड़ा गांव के 3 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की फरियाद पर बड़ा गांव के 3 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा और धमकाने का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पता चला है कि सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुशवाह बड़ा गांव पुलिस चौकी पर पदस्थ है। उन्हें सूचना मिली थी कि हिस्ट्री शीटर बदमाश सतीश यादव की गतिविधियां संदिग्ध है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हाँ, ये रविंद्र सिंह कुशवाहा की तरफ से शासकीय कार्य में बाधा का आरोप, क्योंकि रविंद्र कुशवाहा बड़ा गांव चौकी में तैनात हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में। सतीश यादव करके एक पुराना हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है, उसकी कोई सूचना चेकिंग के उद्देश्य से, उसको सूचना मिलने पर उसकी ट्रैकिंग के उद्देश्य से उसको पुल के ऊपर रोकने का प्रयास किया गया था। तो हालांकि सतीश यादव तो सामने नहीं आया, कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति आके गाड़ी बीच में अड़ा दी है, जो कान्हा यादव करके नाम आ रहा है और राजेश यादव, इन्होंने गाड़ी अड़ा दी है। और उसका कहना है कि भाई हमको कार्य जो करने जा रहे थे उसमें थोड़ा रुकावट डाली गई है, ऐसा इंटेंशनली प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा रुकावट डाली गई, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।